तक मैंने पढ़ा है आप सन्यासी बनना चाहते थे या आप सोल्जर या आर्मी में जाना चाहते थे, ऐसा कुछ भी था? ये आपकी बात सही है, ये आपकी बात सही है। बचपन में मेरा एक स्वभाव था, किताबें पढ़ना, लाइब्रेरी चला जाता था, तो बड़े बड़े लोगों के जीवन पढ़ना ये शौक रहता था। कभी फौज वाले यूनिफॉर्म में निकलते थे तो मुझे बड़ा देखता था, कभी बच्चे की तरह खड़े होकर के सैल्यूट कर देता था, मन करता था कुछ ना कुछ। इतने में 1962 का वॉर हो गया तो हमारे यहाँ से दूर एक मेहसाना स्टेशन है मेरे गांव से, तो वहाँ स्टेशन पे सब लोग जो फौज के लोग ट्रेनों में जाते थे उनका बड़ा सत्कार करते थे, चाय वगैरह, तो मैं भी चला जाता था, तो जा कर के मैं भी वो, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो मन पे हो गया कि हाँ ये देश के लिए जीने मरने वाला रास्ता है, तो कभी उस दिशा में सोचता था। इतने में एक बार मैंने कहीं पढ़ा कि गुजरात में कोई सैनिक स्कूल है, उसमें आप दाखिल हो सकते हैं, तो हमने अपना अरे उस समय शायद 1 रुपया 2 रुपये से उसका सारा जानकारी मंगवाते थे, अब हमें तो अंग्रेजी आती नहीं थी। तो हमारे मोहल्ले में एक स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर रास विहारी मणियार करके रहते थे, तो मैं उनके पास चला गया। मुझे कभी बड़े व्यक्ति से मिलने से कभी संकोच नहीं होता था, ऐसे ही फिर चला गया मैं बाहर। ये बात सही है कि भीतर मन में था, तो मैं रामकृष्ण मिशन में चला गया, एक स्वामी आत्मस्थानंद जी हुआ करते थे, अभी उनका करीब 100 ईयर उम्र में अभी स्वर्गवास हुआ, तो मैं CM बना तो मेरे घर उनको फिर बुलाया मैंने, प्रधानमंत्री बना तो उनके यहाँ चला जाता था, अभी कलकत्ते में अस्पताल में थे तो 2-3 बार हो आया था मैं, तो वो बड़ा बहुत मुझे प्यार करते थे, समझाते थे जिंदगी क्या है, टिकना क्या है। रामकृष्ण मिशन आश्रम में कुछ समय रखते थे मुझे, विवेकानंद जी जिस कमरे में रहते थे उसमें मुझे घंटों तक बैठने के लिए मौका देते थे, तो ये सारे नए नए अनुभव होने लगे। फिर हिमालय की दुनिया में चल पड़ा, बहुत कुछ भटका, बहुत कुछ घुमा, दुनिया देखी, और ये सब 18-20 साल 22 साल की उम्र में ही करता रहा मैं। लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न भी था, कुछ इरादे भी थे, कोई गाइडेंस भी नहीं मिल रहा था, लेकिन मन में सवाल खुद पैदा करता था, जवाब खुद ढूंढता रहता था, ऐसे भटकता 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 यहाँ पहुँच गया।